रीवा प्रयागराज हाईवे स्थित सोहागी घाटी में आज एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां आगे जा रहे ट्रक के पिछले हिस्से में पीछे से आ रहा ट्रक जा टकराया। अचानक हुए हादसे में एक ट्रक का चालक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बाहर निकाला और आनन फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया है। घटना के संबंध में सोहागी थाना प्रभारी गोकुला नंद पांडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज सुबह तकरीबन 9 बजे रीवा से प्रयागराज की ओर मक्का लोड कर जा रहा ट्रक जैसे ही सोहागी घाटी के ढालान में पहुंचा, तभी आगे जा रहे ट्रक के पिछले हिस्से से जाकर वह जा टकराया है। इस सड़क हादसे में ट्रक का चालक स्टेयरिंग में ही फंस गया, जिसे मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से जेसीबी से बाहर निकाला गया। ट्रक चालक को उपचार के लिए फिलहाल त्योथर सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि महज एक सप्ताह पूर्व इसी तरह का सड़क हादसा इसी स्थान पर उस वक्त हुआ जब एक यात्री बस ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई थी, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। इसके बाद आज एक बार फिर यहां सड़क हादसा हुआ है।